नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आप सभी का सुदेश की रसोई चैनल में। तो आज के वीडियो में लेकर आई हूँ मैं आटे का हलवा, जो कि आटे का हलवा है, एकदम दानेदार बनाकर दिखाऊंगी मैं और एकदम रसीला पूरे मेजरमेंट के साथ बनाना बताऊंगी मैं, सही माप के साथ एकदम रसीला और दानेदार हलवा आटे से। तो यहाँ पर देखिए, मैंने एक कढ़ाई रखी है और आपको मेजरमेंट कर लेना है किसी भी कप कटोरी से। तो यहाँ पर मैंने एक कप लिया है और एक कप आटा डाला है इसमें भरकर। तो सबसे पहले तो आटे को भून लेंगे गैस का फ्लेम मीडियम करके। तो सूखे आटे को भून लेना है गैस का फ्लेम में, जो मीडियम रखना है। इसे भूनने में 8 से 10 मिनट लग जाते हैं, तो इसको लो फ्लेम पे ही भूनना है इस आटे को। इस ये स्टेप करने से क्या होगा कि आटे का हलवा है जो एकदम दानेदार बनकर तैयार होगा। तो आप इस तरीके से आटे का हलवा बनाएंगे ना, तो बार बार यही चीज़ फॉलो करके बनाएंगे। तो आटे को भून लेना है अच्छी तरीके से, आपको ब्राउन या जैसा भी करना है। तो मैं इसका थोड़ा डार्क कलर ही रखूँगी आटे का। तो इसे कंटिन्यू चलाते रहेंगे और इसको भून लेंगे अच्छे से। और आप मेरा वीडियो एंड तक देखें, और आपको वीडियो ज़रा सा भी अच्छा लगे तो लाइक करें और कमेंट बॉक्स में एक मैसेज ज़रूर छोड़ें आपको वीडियो कैसा लगा। तो आटा है जो ये एकदम अच्छे से भून कर तैयार है, और इसको निकाल लेंगे एक प्लेट के अंदर। तो आटे को भून लिया है मैंने। अब देखिए, जितना आटा लिया था हमने उतना ही घी ले लेना है। तो घी मेल्ट हो गया है अच्छे से, अब डाल देंगे आटे को। तो ये देखिए, एक चीज़ आपको इसमें नज़र आएगी, तब हम घी में आटे को भूनते हैं तो इसके ऊपर बबल्स आ जाते हैं, लेकिन पहले आटे को भून लेंगे तो ये स्टेप बिल्कुल भी नहीं होगा। और इस तरीके से एकदम से आटा हमारा भुना हुआ है, तो इसको आधा मिनट के लिए और घी में अच्छे से मिक्स करेंगे और इसमें चीनी डाल देंगे। जितना आपको मैंने आटा लिया था उतना ही चीनी डाल दिया है, तो मीठा आप कम या ज़्यादा कर सकते हैं। तो मैंने इसकी चाशनी वगैरह कुछ नहीं बनाई है, तो मैंने सीधा इसको चीनी डाल दिया है और चीनी अच्छे से मेल्ट हो गई है। तो अब ये देखिए, यहाँ पर हमने एक कटोरी आटा लिया था, तो 2 कटोरी पानी ऐड कर देंगे इसके अंदर, या 2 कप पानी। तो मैंने इसी बर्तन से आटा लिया था, तो इसी से मैंने 2 भरकर पानी डाल दिए हैं 2 कटोरी। तो ये देखते ही देखते एकदम अच्छे से सेट हो जाएगा। तो ये देखिए, तो इसे कंटिन्यू चलाते रहना है। और अब इसमें मैंने डाले हैं 5-7 बादाम, तो ड्राई फ्रूट अपने हिसाब से डाल सकते हैं, काजू, किशमिश, जो भी आपको पसंद है। तो फिलहाल मेरे पास ये बादाम थे, तो मैंने बादाम डाल दिए हैं। और बादाम डालने के बाद भी इसे बिल्कुल अच्छे से मिक्स करेंगे, तो इसे कंटिन्यू चलाते रहेंगे। तो ये देखिए, कढ़ाई पर बिल्कुल भी नहीं लगा है ये हलवा, तो आप इसे देख सकते हैं। तो आपको ये नज़र भी आ रहा है कि एकदम ये कितना रसीला और दानेदार हलवा बनकर तैयार हुआ है। तो आपको मेरा वीडियो अच्छा लग रहा है तो लाइक करें, और जिन्होंने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल भी सब्सक्राइब कर लें। तो आप भी इस तरीके से आटे का हलवा बनाएंगे ना, तो बार बार बनाकर खाएंगे, इतना स्वादिष्ट बनकर तैयार होता है ये हलवा। तो आप इस तरीके से हलवा को ज़रूर से बनाकर खाइए। तो ये देखिए, हलवा है जो एकदम अच्छे से बनकर तैयार हो गया है, और ज़्यादा टाइम भी नहीं लगता है इस तरीके से अगर आप हलवा बना रहे हैं तो कम से कम इसमें 8 से 10 मिनट लग जाते हैं। और ये देखिए कितना रसीला है, मैं आपको पास से दिखा रही हूँ, और दानेदार है ये एकदम। जो बंद कर दिया है, और फिर से रिक्वेस्ट है, आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक करें, कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।